हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो T20 मैच होने वाला है इस मैच के बारे में। और इस मैच में आपको ड्रीम 11 टीम प्लेइंग 11 और इम्पोर्टेंस प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। जो प्लेयर कंफर्म है मैं आपको पहले उनका नाम बता देता हूँ, उसके बाद में जब आप ड्रीम 11 का टीम बनाऊँगा तो मैं आपको सजेस्ट करता जाऊँगा। विकेट कीपर पर अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद शहजाद, बैट्समैन के लिए शेरवानी, स्टेनजाई, नजमुल्ला दादरान, मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीब उल रहमान, ये कुछ प्लेयर है जो अफगानिस्तान के लिए कन्फर्म हैं। और अगर मैं बाकी प्लेयर के बारे में आपको मैं ड्रीम 11 टीम के साथ साथ बताता जाऊँगा। वहीं पे विकेट कीपर पे मुस्तफिजुर रहीम, मोहम्मदुल्ला, तमीम इकबाल, सौम्या सरकार, शबीर रहमान, लिटन दास जो कि ओपनिंग करेंगे। ऑलराउंडर पे साकिब अल हसन, रूबेल हसन एंड मेहदी हसन। तो ये कुछ प्लेयर जो है वो कंफर्म हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं पूरी टीम के बारे में और आपके लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन सही रहेगा इसके बारे में। तो फ्रेंड आप दोनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। विकेट कीपर पर हालांकि अहमद सजद जो है ओपनिंग करेंगे, वहीं पर मुस्तफिजुर रहमान जो है मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे। बात कर लेते हैं बैट्समैन की, तो आपके पास जो है तमीम इकबाल, नजमुल जादरान जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, और मोहम्मदुल्ला जो कि थोड़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं। शबीर रहमान को भी जो है कुछ मैचों से जो है उसे नीचे बैटिंग करना कर रहे हैं। तो मोहम्मदुल्ला और शबीर रहमान जो है बांग्लादेश के लिए फिनिशिंग रोल प्ले कर सकते हैं, इसका मतलब उन दोनों को जो है थोड़ा कम बॉलिंग मिलेगा खेलने को, तो इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं रखा है। वहीं पर अफगानिस्तान की बात करें तो असगर स्टेनजाई को मैंने लिया है, सौम्या सरकार को लिया है जो कि तमीम इकबाल के साथ ओपनिंग करेंगे। वहीं पर मैंने यहाँ पर लिटन दास को लिया है जो कि नंबर 3 या नंबर 4 पर ज़रूर बैटिंग करेंगे। ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पर साकिब अल हसन और मोहम्मद नबी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। वहीं पे आप चाहें तो गुलामुद्दीन नैब को ले सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे और यूज़फुल जो है ऑलराउंडर होंगे अफगानिस्तान के लिए। वहीं पे बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो यहाँ पे राशिद खान, मुजीबुल रहमान और जो है रूबेल हसन लगभग कंफर्म हैं। वहीं पे आप चाहें तो यहाँ पे मेहदी मिराज को ट्राई कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी स्पिनर है और अच्छे खासे बैटिंग भी कर लेते हैं। अबू हसन के खेलने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर मैंने जो है अशरफ को लिया है। हालांकि इनके खेलने के चांसेस उतने हाई नहीं है लेकिन मुझे क्रेडिट मेंटेन करने के लिए इसे लेना पड़ा। इसके अलावा आप चाहें तो अबू हैदर को ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ जो मैंने ऑप्शन बताया आप उसी ऑप्शन के साथ जाइएगा तो आपको जो है कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए। सेफ ऑप्शन आपके लिए जो है शकीब अल हसन और तमीम इकबाल रहेंगे। ग्रैंड लीग के लिए राशिद खान और आप चाहें तो यहाँ पर जो है मुस्तफिजुर या फिर जो है अफगानिस्तान के विकेट कीपर है उसे ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे मोहम्मद नबी भी एक बहुत ही की प्लेयर होंगे अफगानिस्तान के लिए। तो फ्रेंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में।